सबसे पहले ये देखिए जो हमने जमीन में लगाया था, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस पे जो नई पत्ती है वो आपको दिख रही होगी। दोस्तों अभी तक अगर आपने मामल बोनसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये घंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूं आपको मैसेज मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बोनसाई फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, हम जो गुलाब के प्लांट्स लेकर थे उनमें से एक गुलाब जो बटन रोज है वो बच गया है, तो इसको भी हम ग्रो करेंगे। देखिए यहाँ पे जब पाला पड़ता है तो उसकी वजह से जो फूल है वो खराब हो गए, दो तीन फूल खराब होने लगे, एक फूल अभी भी ठीक है, तो इसको मैं पोट कर दूंगा। इस मिट्टी वाले पोट में हम इसको पोट करेंगे। मिट्टी वाला पोट जो वो सबसे बेस्ट होता है प्लांट्स के लिए, तो हम जो मिट्टी वाला पोट है वो लेंगे। मेरे पास एक पहले का पड़ा था तो ये हम यूज़ करेंगे। और सोइल के लिए देखिए, हम जो खाद लेके आए थे वो मैंने ले ली है और जो ये मिट्टी है ये हम ले लिए, यानी कि इस मिट्टी में भी कुछ खाद है। गुलाब या फूलों के जो भी प्लांट है उनके लिए जो गोबरी खाद है वो बेस्ट है, तो ये खाद हम यूज करेंगे। तो इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ और फिर हम प्लांट को लगाएंगे। सॉइल हमने मिक्स कर लिया है, पॉट के होल में जो है हम ठिकरी लगा देंगे और इसके बाद जो सॉइल है वो डाल देंगे। करीब हाफ जो है वो हमने सॉइल से भर लिया है। अब जो प्लांट है इसकी जो रूट बाल है वो चेक करते हैं। देखिए जैसे कि हमने और प्लांट लगाए थे सेम वैसे इसकी जो मिट्टी है वो भी जो चिकनी मिट्टी है वो है। इसकी रूट्स देखिए यहाँ से काफी बाहर है लेकिन साइडों से जो रूट्स है वो बाहर नहीं है, तो इसकी भी जो मिट्टी है वो मैं हटा दूंगा, एक्स्ट्रा मिट्टी वो हटा दूंगा और जब इसकी रूट्स बाहर आ जाएगी फिर हम इसको लगा देंगे। मिट्टी जब गिल्ली हो जाती है तो आप इसको ईजिली रिमूव कर सकते हैं, तो आप जब प्लांट लगाएं उससे पहले प्लांट को जो है वाटरिंग कर दे ताकि जो मिट्टी है वो ईजिली आप इस तरह से निकाल सके। पहले हमने जो है लगाए प्लांट उसमें वाटरिंग नहीं की हुई थी लेकिन इसमें मैंने शायद कल वाटरिंग की थी, उस वजह से देखिए जो सॉइल है वो इजीली रिमूव हो रहा है, तो एक्स्ट्रा सॉइल इसका हम रिमूव कर देते हैं। देखिए ये जो सॉइल है इस तरह से चिपक जाते हैं हाथ पे। इसका जो बेनिफिट है इस सॉइल का वो ये है नर्सरी वालों को कि इसके अंदर जो नमी है वो बनी रहती है सॉइल के अंदर, तो वाटरिंग वो ज्यादा नहीं करनी होती इनको। इसकी मोस्टली जो रूट्स है वो बाहर दिखने लगी है, अब हमारे प्लांट में इजिली ग्रो कर पाएगा। अब इसकी रूट बाल को मैं यहाँ पे इस तरह से रख दूंगा और इसके बाद इसमें जो बाकी सॉइल है वो ऐड कर देंगे। अब इसको मैं हाथ से इस तरह से फील कर दूंगा। और दोस्तों प्लांट हमने लगा दिया है, अब इसके अंदर जो वाटरिंग है वो हम कर देंगे। दोस्तों स्टार्टिंग में जब हम प्लांट लगाते हैं तो सॉइल में अच्छी अगर आप कंपोस्ट ऐड कर देंगे तो बाद में अगर आप फर्टिलाइजर ज्यादा नहीं भी दे पाते तो भी प्लांट अच्छे से सर्वाइव करता है, तो अच्छे से फ्लोरिंग करता है। इसलिए मैं जब भी कोई भी फ्लोरिंग प्लांट लगाता हूँ तो उसमें अच्छे से जो गोबर खाद है वो ऐड कर देता हूँ। तो हमको गुलाब को लगाए हुए करीब एक मंथ हो गया है, चलिए मैं आपको उसकी अपडेट दिखाता हूँ कि एक मंथ में उसने कितनी ग्रोथ की, क्योंकि बहुत सी क्वेरी ये थी कि हमने गुलाब लगाया था और उसको दो तीन महीने हो चुके या उससे भी ज़्यादा हो चुके लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो स्टार्ट नहीं हुई। तो उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो चिकनी मिट्टी की रूट बाल है आप सेम टू सेम उसको वैसे के वैसे लगा देते हैं तो उसके कारण भी जो है उसकी ग्रोथ स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि हमने इस गुलाब का जो रूट बाल है उसकी मिट्टी हटाकर फिर लगाया था तो उसकी ग्रोथ जो है जल्दी स्टार्ट हो गई। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो इसने ग्रोथ जो है 15 दिन के बाद ही स्टार्ट कर दी थी क्योंकि सर्दी के कारण है, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ की लेकिन ग्रोथ स्टार्ट हो गई। चलिए मैं आपको सभी गुलाब दिखाता हूँ जो जो हमने लगाए थे। सबसे पहले ये देखिए जो हमने जमीन में लगाया था, इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इस पे जो नई पत्ती है वो आपको दिख रही होगी, ये इसकी ग्रोथ है। दूसरी ब्रांच पे भी आप देख सकते हैं, सेम यहाँ पे देखिए इस गुलाब के अंदर भी जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो रही है। अब ये जमीन में है, बहुत से दोस्त कहेंगे जो पॉट में है उनमें ग्रोथ नहीं होती, तो देखिए हमने जो पॉट में लगाया था, यहाँ पे जो पॉट में लगाया था वो गुलाब है जो बटन रोज लगाया था। देखिए इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, ये जो पत्तियां हैं ये सारी नई पत्तियां हैं। अगर ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये पत्तियां नई है और इस साइड देखिए नीचे की तरफ देखेंगे वो नई पत्ती है, ये जो है ये सारी नई पत्तियां हैं। तो पूरा प्लांट जो है अच्छे से ग्रोथ कर रहा है फिलहाल। तो प्लांट को अगर आप अच्छे से लगाएंगे तो उसकी ग्रोथ भी होगी और फ्लोरिंग भी अच्छे से करेगा। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं गुलाब की एक प्लेलिस्ट है, गुलाब की सभी समस्या का समाधान, वो प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कीजिए। ओके दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर किया करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।